हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी नर्सरी के कुछ पौधों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। हमारी नर्सरी में कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं इस समय, जबकि सीज़न चेंज हो रहा है और गर्मियों का सीज़न प्रारंभ हो गया है, तो कौन कौन से सीजनल प्लांट हमारे पास हैं, कौन कौन से परमानेंट प्लांट हैं, कौन कौन से आउटडोर और इनडोर प्लांट हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं अपने एक्वेरियम से आपकी शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, मेरी नर्सरी पर एक खूबसूरत एक्वेरियम रखा हुआ है जिसमें शार्क प्रजातियों की विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पड़ी हुई हैं। ये चूंकि शुभ माना जाता है इसलिए मैंने अपने एक्वेरियम में इसको रखा हुआ है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, फिर इसी के नीचे आते हैं। देखिए, ये हमारे पास फाइकस के पौधे रखे हुए हैं जो बोनसाई के रूप में हैं, सुंदर से बोनसाई के रूप में फाइकस के पौधे हैं। देखिए इनकी जड़ें, इनकी रूट कितनी पुरानी हैं, इनकी जड़ें कितनी पुरानी हैं, इनको आप गौर से देखिए। गोंडा में ऐसे पौधे बहुत कम मिलते हैं और ऐसी संभावना भी है कि गोंडा में शायद ही ऐसे पौधे आपको उपलब्ध हैं। इसकी कुछ प्रजातियाँ मेरे पास हैं फाइकस की, इसको आप गौर से देखिए, नीचे से ऊपर तक देखिए आप। ये फाइकस की कुछ प्रजातियाँ हैं। एक खूबसूरत पौधा जो मेरे हाथों में है, इसको मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। देखिए, मनी प्लांट, मनी माने धन होता है और प्लांट माने पौधा। ये धन का पौधा है। जिसके घरों में ये पौधा होता है उसके घरों में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। इस पौधे को खूबसूरत तरीके से लगाइए। इसमें मैंने स्नोबॉल के कुछ टुकड़े भी डाल रखे हुए हैं जो पौधे गर्मियों में पौधे की नमी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और नमी बनाए रखते हैं। इसको अपने खूबसूरत गमले में मैंने लगा रखा है। आप हमारी नर्सरी में आइए तो पान जैसे पत्तियों वाले ये ग्रीनिश कलर के इन प्लांट को खरीदिए, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अब मैं इसको अपने एक्वेरियम के ऊपर ऐसे प्लेस कर देता हूँ, रख देता हूँ। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे पास एरिका पाम का खूबसूरत पौधा है, ये मैंने अपने लिए लगा रखा हुआ है। आप चाहेंगे तो एरिका पाम के पौधे आपको मिल जाएंगे। इसी के नीचे हम दिखाते हैं आपको, ये पान का पौधा है। ये पान के पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप देखिए, पान के पौधे हमने लगा रखे हैं इंडोर प्लांट के रूप में, ये आउटडोर में भी चल जाते हैं। पान के पौधे ये भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पाम हमारे पास ये और है, इसका नाम हम आपको नहीं बता पाएंगे अभी क्योंकि मैं खुद इसका नाम नहीं जान पाया हूँ अभी तक, लेकिन खूबसूरत पौधा है और ये पौधा बहुत पुराना पौधा है हमारे यहाँ। जाड़ों में ये लुप्त सा हो जाता है लेकिन गर्मियों में फिर से ये सामने आ जाता है। इसके अलावा ये देखिए, हैंगिंग में लगे हुए हैं फर्न, कई प्रजातियों के फर्न लगे हुए हैं, ये हैंगिंग में लगे हुए हैं। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, हैंगिंग में लगे हुए हमारे पास पौधे हैं, हैंगिंग में खूबसूरत से पौधे लगते हैं। उधर भी आप देख सकते हैं, हैंगिंग में लगे हुए हमारे पास पौधे हैं। अब नीचे की तरफ आप आते हैं तो ये देखिए, अलेरिया का पौधा, खूबसूरत अलेरिया का पौधा। आप इसको इंडोर प्लांट में लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं और इसको आप घरों में खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इंडोर के रूप में अंदर कुछ पौधे रख रखे हैं, अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। ये देखिए, ब्लैक डरसेना का पौधा है, खूबसूरत सा पौधा, मैंने पॉट में लगा रखा हुआ है। पॉट देख सकते हैं आप, गोल्डन कलर का पॉट, येलो कलर में ये पॉट बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप इस पौधों को लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ हैंगिंग बेल मैंने लगा रखे हुए हैं, इससे भी घर की खूबसूरती खूब अच्छी लगती है। हैंगिंग बेल भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग बेल को भी आप लगा करके अपने बालकनी की, अपने बरामदे की, अपने घरों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अब हम नीचे उतर कर आपको दिखाने वाले हैं अपने इस, ये देखिए एक खूबसूरत पौधा, ये डफन वेसिया वाइट है, ये खूबसूरत सा पौधा है। इसको भी मैंने अपने पॉट में लगा रखा हुआ है और ये बहुत अच्छा लगता है, दो में लगा रखा हुआ है। ये देखिए एक पौधा जिसकी पत्तियां कटी कटी हैं, ये मोनेटेरा का पौधा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी लसने वाला पौधा है और ये गर्मी जाड़े बरसात सब में रहता है। इसके अलावा नीचे देखिए, चाइना पाम
मैंने खूबसूरत सा लगा हुआ है, इसको भी आप लगा करके अपने घरों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो ये देखिए ग्रीन डेंजर का पौधा है, इसको सरकारें भी खूब लगवा रही हैं। और ये हमारे जो वायु प्रदूषण है, इस वायु प्रदूषण से हमारी पूरी रक्षा करता है। घरों में कम से कम 3 से 4 पौधे ऐसे लगाए जाएं तो घरों की जो वायु है, घर का वातावरण है, वो बिल्कुल शुद्ध रहता है। क्योंकि ये पौधा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी शोषित कर लेता है और ऑक्सीजन हमें प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं इसकी पत्तियाँ। इसके अलावा इसी के बगल में लगा हुआ एक सुंदर सा पौधा है जिसको हम डरसेना ये कह सकते हैं, ग्रीन डरसेना के नाम से जानते हैं। खूबसूरत सा पौधा। पौधा कोई भी हो, आपको आपकी बालकनी की, आपके लान की, आपके आंगन की, आपके मकान की खूबसूरती बढ़ाता है। तो इस पौधों को आप खरीदें, पौधों को आप लगाएं, कितना सुंदर है। देखिए आप पत्तियां कैसी लग रही हैं इसकी, देखिए कितना सुंदर सुंदर पौधा है ये। इसकी पत्तियों पर बनावट देखिए, सिलवटें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इन पौधों को आप लगाएं तो आपका घर आंगन बगीचा खूब महक उठेगा। ये हमारे पास एक टाइगर चांदनी का पौधा है जो अभी तक इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, ये आ गई है फ्लावरिंग। ये देखिए ये कलियां बन गई हैं इसकी, ये कलियां बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ही खुशबू होती है इस टाइगर चांदनी में। ये टाइगर चांदनी भी मेरे यहाँ उपलब्ध है, आपको मिल सकती है। और इसी में थोड़ा सा मैंने ये अलग से रख दिया मेहंदी का पौधा। मेहंदी आप जानते हैं ये औरतों को बहुत प्रिय होता है, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। और ये नेचुरल मेहंदी है, बालों में भी आप लगा सकते हैं, ठंडक आपको देता है। तो ये मेहंदी के पौधे को भी आप ले सकते हैं। इसी के बगल में ये देखिए सिंगाड़ा फाइकस का पौधा रखा हुआ है, ये भी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पौधे आप देखेंगे सब खूबसूरती से बड़े हुए हैं, उनके अंदर अपनी अपनी खूबसूरती है, अपना अपना नेचुरल क्लाइमेट है, अपने अपने नेचुरल क्लाइमेट में ये उगते हैं। और इनकी आप अगर देखभाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम नीचे की ओर उतरते हैं और वहाँ से हम अपने बालकनी का पूरा पोज आपको दिखाते हैं। इधर आओ, इधर से हम अपनी बालकनी का पूरा पोज दिखाते हैं। अब आप देखेंगे ये मैंने यहाँ से ये पौधे लगा रखे हुए, आप देखें ऊपर से देखें, ये सारे पौधे मेरे बालकनी के हैं, मेरे कमरे के हैं, मेरे घर के हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखें। अब यहाँ जो जो पौधे आपको दिखाई पड़ने नीचे, अभी मैं उन पौधों को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे ये सन ऑफ इंडिया का पौधा ये भी हमारे वातावरण को, हमारी वायु को शुद्ध करता है। ये बहुत आद मात्रा में मैंने अपने यहाँ लगा रखा है। ये सारे पौधे हमारी नर्सरी में उपलब्ध हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये पपीते का पौधा, खूबसूरत पपीते का पौधा, इसको मैंने अपनी नर्सरी में लगा रखा है अलग से, ये हमारे यहाँ उपलब्ध भी है। और देखिए मैंने गमले में 10 इंची पॉट में मैंने इसको लगा रखा हुआ है, कितना खूबसूरत हो जा रहा है। इसका नाम है रेड लेडी के नाम से पौधा आता है। इसकी छोटी सी हाइट में ही ये बहुत सारे फल देना प्रारंभ करता है और एक फल 1 किलो से कम नहीं होता है। तो ये रेड लेडी का पौधा आप ले जा करके लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने पीस लिली का पौधा लगा रखा हुआ है। हालांकि इस समय पीस लिली ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण सूख जाती है, लेकिन छांव में ये मेरी पीस लिली रखी हुई है और अभी देखिए चल रही है। तो पीस लिली का पौधा आप लगाइए घरों में। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास अच्छा सा पौधा है, खूबसूरत प्लांट है, आप इसको भी लगा सकते हैं। इसको हम चेमीडोरा के नाम से जानते हैं, खूबसूरत सा पौधा है ये। और मैंने इसको अपने हाथ में लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेमीडोरा का पौधा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कुछ मुख्य पौधों के बारे में बता सकता हूँ, सारे पौधे के बारे में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए डबल चांदनी का पौधा लगा हुआ है, इधर आप नज़र डालेंगे तो हैंगिंग में हमारे बहुत से प्लांट रखे हुए हैं, उनको हम फन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आप चलते जाइए तो ये माल्टा का पौधा मैंने गमले में लगा रखा हुआ है, आपको भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये देखिए नारंगी का पौधा, खूबसूरत नारंगी का पौधा मैंने लगाया हुआ है।
इस नारंगी को आप भी अपने घरों में लगा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं इसमें, ये सुंदर से फल आ रहे हैं। दो तीन पौधे मैंने इस तरह से लगा रखे हैं। अब आपको हम इसका पूरा का पूरा लुक दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए ये पौधा जो अभी हाल ही में मैंने गमले में शिफ्ट किया हुआ है, इसको रेक्सोना पाम के नाम से जानते हैं। जब ये गमले में आ जाता है बहुत खूबसूरत लगता है। ये रेक्सोना पाम भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए एक पौधा किंग पाम के नाम से, किंग पाम के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत सुंदर पौधा होता है, इसको भी आप देखिए। और ये देखिए गोल्डन, खूबसूरत गोल्डन मोरपंखी का पौधा ये लगा हुआ है। ये सपलेरे का पौधा खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है। कुछ पौधे आपको यहाँ पे बोगन बेलिया के भी दिख जाएंगे। और ये गुलाब के खूबसूरत पौधे हैं, ये गुलाब के खूबसूरत पौधे हैं, ये मैंने लगा रखे हुए हैं। हम कहेंगे सबको एक बार दिखा दें आपको एक तरीके से ले लेकर के। अभी हाथ में लेकर के मैं आपको कुछ पौधों की और जानकारी दूंगा। इधर आते हैं तो देखिए मेरे हाथ में खूबसूरत पौधा है। इस पौधे को हम सेलम के नाम से जानते हैं। देखिए पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल नेचुरल पत्तियाँ हैं। जैसे प्लास्टिक की पत्तियाँ आजकल इस तरह के पौधों की मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आप नेचुरल की वैरायटी देखें आप। ये सारे पौधे आपके घरों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा पौधों पर खर्च करें तो आपकी बगिया महक उठेगी। ये खूबसूरत पौधा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सेलम सारी चीज़ें लगी हुई हैं सेलम की प्रजाति की। और ये देखिए ग्रीन डरसेना, सॉरी रेड डरसेना, यही तो है खूबसूरत पौधा रेड डरसेना के नाम से, कितना बढ़िया लग रहा है। आप इन सारे पौधों को खरीदिए और ख़रीदने के बाद अपने घरों में लगाइए। यहाँ लोग आते हैं तो पौधों को ख़रीदने में समझौता करने लगते हैं, कहते हैं इतने का नहीं इतने का दे दीजिए, और सारी चीज़ खाएंगे तो उसमें समझौता नहीं करेंगे। दुकानदार जितना कहेगा उतना बिल पेड करके चले आएंगे। लेकिन जो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, जो चीज़ आपके साथ है, उसमें तो आप पैसा खर्च करें, आप लगाएं और अपने मन से भावना को निकाल दें, मानसिकता को निकाल दें कि कोई आपको ठग रहा है। पौधे के नाम पर कोई ठग नहीं सकता है, कोई भी ठगेगा क्यों, क्योंकि पौधों का मूल्य जो है वो अमूल्य है। इसकी कीमत आप नहीं दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे ना आप दे पाएंगे। ये वनस्पति जगत का है, ये ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई कैसी खूबसूरत चीज़ है जिसको हम चाहकर भी खुद नहीं पैदा कर सकते, खुद नहीं बना सकते। इन सारे पौधों में जान होती है, हम इनकी देखभाल करें। इनको भी विटामिन्स मिनरल्स कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, जिनको हम विभिन्न खादों के रूप में आपको उपलब्ध कराते हैं। एक छोटा सा पौधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी मेरे पास उपलब्ध है। ये देखिए सामने, सब जानते हो ये आंवला का पौधा है। आंवले के फल को अमृत फल कहते हैं, यानी इसके फल को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अमरता को हम प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि हमारा स्वास्थ्य खूब अच्छा रहेगा। इधर गर्मियों में आंवले के मुरब्बे को खाएंगे तो आपको तरोताजगी महसूस होगी। और ये आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। अब जो पौधे आ रहे हैं वो सारे पौधे ऐसे लगते हैं जिससे आप अपने गमलों में भी उनको लगा सकते हैं। एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और अभी मैं आपको दूंगा जानकारी। अभी मैं आपको बता रहा हूं विशेष प्रकार के पौधों के बारे में, हमारे पास इस समय उपलब्ध है वो पौधा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, अभी मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, तुलना करके दिखाता हूँ कि इस पौधे में और इस पौधे में फ़र्क क्या है। और मैंने पहली बार इसको कल्चर किया है अपने यहाँ, पहली बार मैंने अभी इसको कल्चर किया। देखिए ये गुणों से भरा हुआ तुलसी का पौधा है। आप जानते ही हैं तुलसी का पौधा है जो हम सबके यहाँ मिलता है, लेकिन हमने अपने यहाँ एक नए प्रकार की तुलसी को कल्चर किया है। ये देखिए जिसको हम ग्रीन पिरामिड इटालियन तुलसी के नाम से जानते हैं, इसको मैं लिए हूँ। इतनी बढ़िया सुगंध है कि जब आप इसको देखेंगे और इसको सूंघेंगे और अपने चाय में डालेंगे तो औषधीय गुणों से भरपूर है। अब दोनों तुलसी आप देख लीजिए, ये तुलसी देखिए जो हमारे यहाँ पाई जाती है, ये तुलसी जो मैंने कल्चर की हुई है, ये कहीं भी गोंडा में आपको उपलब्ध नहीं होगा, और गोंडा में नहीं लखनऊ में भी उपलब्ध नहीं होगा।
आप चाहें तो इस तुलसी के पौधे को हमारी नर्सरी से खरीद सकते हैं। बहुत थोड़ा कास्टली बैठता है और ये सस्ता बैठता है, लेकिन इतना भी कास्टली नहीं जितना आप खरीद ना पाएं। इस तुलसी के पौधे को आप अवश्य खरीदें। इसके अलावा मैंने एक पौधे का ईजाद और किया है, यहाँ पर लोग खेतों में उगाते हैं लेकिन मैंने घरों में उगाया है और पहली बार मैंने प्रयोग किया है। ये देखिए पिपरमिंट का पौधा। जब आपका सर दर्द होता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, आपके सीने में दर्द होता है, आपको सर्दी जुकाम होता है, तो आप पिपरमिंट जैसे तेल को ला करके या पुदीन हरा को ला करके आप खाते हैं तो आपका पेट दर्द शांत होता है, उस सब में पिपरमिंट पड़ा रहता है। ये पिपरमिंट का पौधा मैंने अपने यहाँ लगाया है और बहुत ही कम दाम में यह आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसको आप औषधीय पौधे के रूप में अपने घरों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। ये हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने ठेले पे लग रखा है इसको। ये आप इसको ले जाइए, लगाइए और एक पौधे से कई पौधे बना करके इसको रखिए। आप प्रकृति की तरफ आइए, बिना प्रकृति की तरफ लौटे आपको लाभ। मैं चूंग रहा हूँ, बहुत ही मीठी मीठी सुगंध है इसकी। जैसे आप नवरत्न तेल लगाते हैं या पुदीन हरा खाते हैं या तमाम चीज़ें लेके आते हैं, जैसे डाइजीन आप पीते हैं, तो कहीं ना कहीं मिंट का प्रयोग उसमें हुआ होता है। तो ये मिंट जो आपके पेट को भी राहत देता है। आप इस समय अमझोरा बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें दो पत्तियाँ डाल दीजिए, कोई काढ़ा बनाइए, दो पत्तियाँ डाल दीजिए, आप पीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी मैंने आपको अपनी नर्सरी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिखाया है। मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको शॉर्ट कट में यही बना रहे हैं। आगे हम अपनी नर्सरी के और तमाम पौधों के बारे में जानकारी देंगे। यदि मेरे यहाँ के पौधे आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप आकर के मेरी नर्सरी पर ख़रीदिए। मेरी नर्सरी का पता है पंत नगर फोरबिसगंज गोंडा शिवाला के सामने। मेरा मोबाइल नंबर है 9919978542। ये सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, मेरी नर्सरी पर आ सकते हैं। यदि नर्सरी बंद है तो आप कॉल बेल बजा के पौधों को खरीद सकते हैं, दरवाज़ा खुलेगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए दरवाज़ा बंद रहता है, सुबह के समय हम लोग खोलते हैं और शाम के समय खोलते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। आप जब भी आएँ कॉल बेल बजाएँ, आपको पौधा उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा ये चैनल पे दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।